प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई अगर सोनू, आई मत कर, अभी जा जल्दी से स्कूल। हाँ जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे भी चश्मा लग गया है। अच्छा, तुम्हें धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। हाँ देखो ना, मुझे आपके चश्मे की डंडी की जगह धागा नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब खिंचाई हो रही है मेरी, ये धागा ही है। तो डंडी कहाँ गई? सोड़ी ने तोड़ी। भैया, सोड़ी भाई ने क्या टायर फिट करने का पाना यूज किया क्या? नहीं, क्या हुआ माधवी? मैंने कहा था ना आपको, चूरी से कर लेते, लेकिन नहीं, अतः म्यूजियम। नहीं नहीं माधवी, ये चश्मा कोई म्यूजियम में भी नहीं लेगा। चश्मा नहीं, आप। मक्का है, ऐसे लोग आपको देखेंगे तो सीधा पकड़ कर म्यूजियम में ही लेके जाएंगे ना। अभी भी कहती हूँ नया चश्मा ले लो। माधवी, सिर्फ 10 रुपए में नई डंडी फिट हो जाएगी। आपको आपके 10 रुपए भी बचाने? कैसे गए? ये जो दूसरी डंडी है ना, वो भी तोड़कर वहां धागा लगा लीजिए। दोनों तरफ धागा धागा, मैचिंग मैचिंग, मस्त तरी से। बास आता माधुरी, बास। सिटी क्यों मार रहे हो? मैं क्या मार रहा हूँ सिटी? अब गधड़ा टप्पू, सीटी बजाकर मेरी सोनू को बुला रहा है स्कूल जाने के लिए। निर्लज्जा, अभी से ठीक करता हूँ। अहो कमाल है जी। ये टप्पू, ये सीटी बजा बंद कर। सीटी क्यों बजा रहे हो? वो भिड़ अंकल सोनू को बुला रहे। अरे ये मैनरलेस, तो सोनू को बुलाने के लिए सीटी बजाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ढोल नहीं मिला ना, इसलिए। ये गोड़ा, तू खुद ही एक ढोले ढोल। आइंदा सोनू को सीटी बजाकर नहीं बुलाने का। तो भिड़ंगर हम लोग सोनू को बुलाने ऊपर आते हैं। हाँ। बराबर बराबर। ए रुको रुको, ए छोटे छोटी रुक जा मेरे भाई, सोनू भी नीचे आ रही है। रुको वहीं। बंद करो, कितना शोर करते हो सुबह सुबह। भिड़े अंकल, ये कोई मामूली सिटी नहीं है, इससे सुबह बजाने से योगा होता है, योगा। अच्छा, सिटी से योगा? सुबह सुबह इसे मैं ही मिला हूं ना। जरा वो सिटी देना, मैं भी योगा करना चाहता हूँ। हाँ, कैच करो। अब देखो कैसे योगा होती है। हा? अरे भिड़े अंकल, आपने टप्पू की सीटी तोड़ दी। योगा खत्म। खबरदार, आज के बाद किसी ने सीटी मारी तो। भिड़े अंकल, टप्पू की सीटी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया।
धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे? क्या करोगे? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ क्या करोगे? कल से हम लोग हाथ से सीटी बजाएंगे। हाँ बेशिस तो आ गाओ। बाय बाबा। बाय। बाय बाय चला चला चला। ये क्या है? अरे वाह भिड़े अंकल, मस्त फ्रेम है चश्मे का। एक साइड धागा, एक साइड डंडी, सॉलिड है। कहाँ से लिया? रेडीमेड लिया है। अभी बताता हूँ। गोया रुक। ये रुक, गोया रुक। आगाऊ कार्टी। आगाऊ। मैनरलेस। बेशिस्ता। काय झालं आता? माधवी ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में बीचों बीच खड़े रहकर सिटी बजाना क्या अच्छा लगता है? कितना गुस्सा कर रहे हो? बचपन में आपने कभी सीटी नहीं मारी? माधवी बचपन में ऐसे बेशिस्ता काम नहीं करता था मैं। तुला सांग तो ये पूरी टपू सेना में अपनी सोनू को छोड़कर ये बाकी सारे बच्चे मैनरलेस, होपलेस, एमलेस, शेमलेस, शो फ्रेमलेस। बच्चों को छोड़िए और नया चश्मा ले लीजिए। नया चश्मा लेने की जरूरत नहीं है माधवी, सिर्फ फेम का ही प्रॉब्लम है। आपको नए चश्मे की सख्त जरूरत है। देखिए मैंने आपके बालों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अभी आंखों के साथ नहीं करूंगी। सांगूठे होते कॉम्प्रोमाइज काय बोलते हो तुम माधवी? नहीं सिर्फ फ्रेम का ही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम? क्या नहीं है? चश्मे की कांच पूरी घिस चुकी है, डंडी टूट गई है, ये काला धागा लगाकर घूम रहे हो और बोल रहे हो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अभी नया चश्मा ले लो। माधवी फालतू का खर्चा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप कुछ मत बोलिए, कोई फालतू का खर्चा नहीं है ये। आपके जमाने का ये चश्मा अभी नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। माधवी एक मिनट शांति से यहाँ खड़े रहिए। आता चिगड़ी तोड़ और बोर्ड। शिक्षकाला शिक्षा केली। ये लीजिए, ये माधवी सहकारी बैंक का पैसा है। आपका लोन अप्रूव हो चुका है, कर लो। ओहो, अच्छा मैडम तो फिर इस लोन का कितना हफ्ता देना पड़ेगा? ये हफ्ता लेस लोन है। अरे वाह, चांगले। अच्छा बाबा तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं एक नया चश्मा ले ही लेता हूँ। अजीब। और सुनिए, आपके जमाने का चश्मा मत लेके आइए। लो, मैं आज के जमाने का लेटेस्ट चश्मा खरीद के लाऊंगा। बस जाइए। वेड़े को भाई वेड़े। हाँ भाई पोपटलाल, मैं तो कंपाउंड में आ गया हूँ। जाना तुम्हारे दोस्त की दुकान में चश्मा लेने के लिए। हाँ तो आ जाओ नीचे। हाँ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग आजमाराम। ओहो गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग। आजमारा, क्या चश्मे का नया स्टाइल आया है? यह चश्मे में धागा क्यों बांधा है? अरे वो चश्मे की डंडी टूट गई। अरे कैसे? अरे क्या हुआ? ये सॉरी भी कमाल है। नहीं तो क्या? आजाराम तुम नया चश्मा ले लो। हाँ वही लेना है अभी। आजाराम मेरा कजिन है रंगा स्वामी, उसका चश्मे का दुकान है। अच्छा कहाँ पे? चेन्नई में। वाह बहुत नजदीक है यार। अरे आजाराम पूरी बात तो सुना, वो उसका दुकान चेन्नई में। वो रंगा स्वामी का जो साला है ना चिन्ना स्वामी, उसका दुकान बोरीवली स्टेशन के पास में। तुम वहां पर चले जाओ, मेरा नाम लेना, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे भैया जरा इधर देख ऐसा। ये क्या चश्मे पे धागा बंधा है? वाह बिल्ली मास्टर वाह, तूने तो हमारे गांव के पोस्ट मास्टर रौजी की याद दिला दी। वो भी ऐसे धागा बांध के ही चश्मा पहनता था, ताकि उसका चश्मा कहीं गुम ना हो जाए। अरे नहीं उसके लिए नहीं चाचा जी, क्या हुआ चश्मे की डंडी टूट गई ना इसलिए धागा बांधा है। अरे तो नया चश्मा ले ले, कितने सालों से तू ये एक ही चश्मा पहन के घूम रहा है। हाँ अभी वही लेने जा रहा हूँ। तो एक काम करना, ये जेठिया ने मुझे जहाँ से चश्मा दिलाया ना वहाँ से लेना, बहुत अच्छा चश्मा मिलता है। वो टप्पू के स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। अरे चाचा जी मैं अभी अय्यर से वही बात कर रहा था।
वो बोल रहा है कि उसकी कोई पहचान की दुकान है बोरोली में, वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ अरे भाई डिस्काउंट जरूरी है कि अच्छा चश्मा जरूरी है? नहीं नहीं जाजा जी, वो चिन्ना स्वामी की दुकान पर लेटेस्ट मशीन है। अरे भाई मशीन नहीं लेना है, चश्मा लेना है। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, आजकल तो हर चश्मे की दुकान में मशीन होता है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। चलो भाई चलो भिड़े, चश्मा लेकर आते। हाँ जाते हैं। वैसे पोपटलाल अय्यर बोल रहा है कि उसके पहचान की दुकान है बोरुली में, वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अरे भाई अय्यर भाई को छोड़, कहाँ उनकी बात सुनते हो। क्या 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 बोला पोपटलाल, क्या बोला? गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। वो मैं ये बोल रहा था कि सोसाइटी में हम चारों चश्मा पहनते हैं, तो हम चारों की एक चश्मिश क्लब होनी चाहिए। नहीं चलो भाई चलो भिड़े। आदमाराम तुम वो चिन्ना स्वामी की दुकान पर जाओ, मैं उसको फोन कर देगा। नहीं नहीं भिंडी मास्टर, मैंने तुझे बोला ना वहीं से चश्मा लेना, वहाँ तुझे अच्छा और सस्ता चश्मा मिलेगा और वो नजदीक भी है। चश्मे की बात तो भिड़े भाई, हम मेरे दोस्त की दुकान पे नहीं जा रहे, वो आज दुकान पे नहीं आने वाला था, मैंने खास उसे तुम्हारे लिए बुलाया है। अरे काय चाललंय काय, अय्यर बोल रहा है कि चिन्ना स्वामी के पास से चश्मा ले लो, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त के पास से चश्मा ले लो, और चाचा जी बोल रहे कि उन्होंने जहाँ से चश्मा लिया था वहां से चश्मा ले लो। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया ना। भाई बिल्ली मास्टर इसमें धर्म संकट कहाँ से आया है, तुझे किसी ने कसम थोड़ी दी है, है? तुझे जहाँ से ठीक लगे वहां से चश्मा ले पाए। ये पोपटलाल तुझे लेकर जा रहा है ना उसके दोस्त के वहां, तो वहां से चश्मा ले ले। नहीं 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 चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है भाई भिड़े, चाचा जी जहाँ से बोल रहे हैं या अय्यर भाई जहाँ से बोल रहे हैं तुम वहाँ से चश्मा लो भाई, मेरा दोस्त तो घर पे वापस चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आदमाराम चिन्ना स्वामी की दुकान से भी चश्मा लेना जरूरी नहीं है, चाचा जी और पोपटलाल जहाँ से बोले वहाँ से ले लो तुम। हाँ। अरे कहाँ चल रहे, अभी बोल रहे हो कि एक दूसरे के पास से चश्मा ले लो, फिर से मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो आप लोग। नहीं नहीं भिड़े तू एक काम कर, तू चश्मा लेना ही कैंसिल कर दे अब। अरे पोपटिया मजाक कर रहा है तू, है ना ये पोपट जहाँ से बोल रहा है ना वहीं से चश्मा ले बस। चलो भाई चलो भिड़े। हाँ भाई धर्म संकट दूर हो गया, चलो पोपटलाल। हाँ, चलो, चलो चलो आप भी आ रहे। अरे भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ। ओ चलो कितना कंफ्यूजन, वो चश्मा कहाँ से लेना है। क्या कर रहा है, मुझे ये मंदिर जाना है। सॉरी सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, आइए 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 चाचा जी आइए। वहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ से अचानक आके तो मैं क्या करूँ। चल भाई चल चल चल। देख भाई बेड़े मैं तुझे एक बढ़िया चश्मा तो दिलवा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी तुझे। अय्यर वो चिन्ना स्वामी का दुकान का। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा है। चल भाई चल चल चल, तू भी कमाल है। आ जा आ जा भाई, आ जा आ जा। और भाई चंद्रकांत कैसे हो? अरे पोपट भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत दिनों बाद हमारी याद आई, क्या नया चश्मा बनवाना है? अरे नहीं नहीं, आपके बनाए हुए ये चश्मे से अभी तक मैं फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरे परम मित्र पड़ोसी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, शिक्षक, अचार पापड़ की बढ़िया डिलीवरी करते हैं। क्या है? मेरा मतलब है अचार पापड़ का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी इतना कुछ बोल दिया पोपटलाल, तो थोड़ा सा नाम भी बता दो मेरा। सॉरी 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 भाई, थोड़ा क्यों पूरा बताऊंगा। आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते भाई चंद्रकांत, इनको एक नया चश्मा खरीदना है, तो इनको बढ़िया सी फ्रेम दिखाओ। हाँ अभी एक मिनट एक मिनट भाई साहब, क्या है मेरे इस चश्मे की ना डंडी निकल गई है, आप बनवा सकते हैं इसकी डंडी वापस, आपके पास होगी ऐसी? भिड़े तुझे सिर्फ डंडी खरीदनी है? डंडी के लिए हम इतना दूर आए, चश्मा नहीं खरीदना नया? नहीं नहीं चश्मा लेना है ना, ये तो मैं ऐसे ही रिपेयर करके रखूंगा अपने पास। ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये तो फ्री में रिपेयर हो जाएगा भाई, मेरे दोस्त है ना भाई, करा दो भाई करा दो। अच्छा संदीप भाई ये चश्मा ठीक करवा दीजिए, और इनके आंख का नंबर भी चेक कर लेना। ठीक है। आओ भाई आओ भिड़े आओ, हो गया? हाँ ये नंबर है चश्मे। अरे वाह, इस नंबर के काफी चश्मे हमारे पास रेडी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आपको अच्छा। क्या बात है क्या बात है, दिखाओ 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 भिड़े दिखाओ। वाह भिड़े वाह,
बिल्कुल हीरो हीरा लाल लग रहे हो है? Okay. क्या प्राइस क्या इसकी? 4,700 अरे देवा पटलाल, ये महंगा नहीं है? ले 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 क्या ले ले मैं क्या बोलता हूँ, वो चश्मा रिपेयर हो जाएगा तो अभी नया चश्मा लेने की जरूरत है। अरे भाई भिड़े, माधवी भाभी ने तुझे नया चश्मा लेने को बोला है ना, एक अच्छी क्वालिटी का नया चश्मा बनवा लेना। हमेशा लाइफ में ना दो चश्मे रखने चाहिए ताकि अगर एक बिगड़ जाए तो ऐसे धागा लगा के घूमना ना पड़े, नया चश्मा पहन सको। ठीक है ठीक है, जरा दूसरा दिखाएंगे प्लीज। ये नया मॉडल और नई फ्रेम आपको अच्छी लगेगी। पहनो भाई पहनो पहनो पहनो। वाह क्या मस्त लग रहे हो भिड़े तुम। अरे मस्त क्या पोपटलाल, इसमें तो मैं कॉलेज स्टूडेंट लग रहा हूँ। देखिए मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक दिखो ऐसा कोई चश्मा दिखाइए ना प्लीज। तो भाई चंद्रकांत, शिक्षक दिखे ऐसा चश्मा दिखाओ इसे। हाँ है ना शिक्षक वाला। हाँ ये दिखाइए, ये देखिए। ये थोड़ा है ना अलग कुछ। अच्छा अच्छा, ये होता है इंटेलेक्चुअल लुक। एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लग रहे हो तुम इसमें। ये कितने का है? सिर्फ 3,700। 3,700? ये लगता है 3,700 का है? 3,700 के ही है भिड़े, ये ले लो तुम। अरे एक मिनट और देखते हैं ना, वैरायटी मिल जाएगा, जरा दिखाएंगे प्लीज। देखिए भाई साहब, अभी आपके नंबर का ये आखिरी चश्मा मेरे पास बचा है, पसंद है तो ले लो, आप पैसे नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि पोपटलाल के मुझ पे बहुत एहसान है। आज तुम्हारे सारे एहसान खत्म हो गए भाई। बेटे ये चश्मा तुझे पसंद है ना? हाँ ये चश्मा कुछ ठीक लग रहा है, क्या प्राइस है इसकी? देखिए वैसे तो मैं ये 3,000 में लोगों को बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए मुद्दल भाव सिर्फ 2,600। डिस्काउंट डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट सिर्फ 2,600? पोपटलाल फाइनल। भिड़े भाई ये चश्मे अब तुझे पसंद भी है और तुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो ले लेना भाई, दे दे 2,600 रुपये वरना मैं दे देता हूँ। दे देना दे भाई पैसे। ये वाकई अच्छा है, इसे पैक कर दीजिए। कर दो चंद्रकांत जल्दी फाइनल कर दो, इसका निर्णय बदले उसके पहले फाइनल कर दो। अरे संदीप भाई देखो चश्मा रिपेयर हुआ होगा। हाँ। आओ। ये लीजिए 2,600 रुपये, ये आपका चश्मा। पहन लो भाई भिड़े इसे पहन लो। एक मिनट वो चश्मा पहले देख लो। क्या बात है भिड़े। भाई नए चश्मे खरीदे तो वो पहनो। नहीं पोपटलाल, मैं ये चश्मा कल अच्छा सा मुहूर्त देख के पहनूंगा। ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं अच्छा। हमारे एक मित्र एक दिन मुझे टहलते हुए साड़ियों के मार्केट में मिल गए, उनकी पत्नी भी साथ में थी। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ कस के पकड़ रखा था, दोनों आ रहे थे। मुझे दोनों का ये प्यार देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने मित्र से पूछा, भाई तुम्हारे विवाह को कितने साल हुए? बोले सर 15 साल हो गए। उनका क्या बात है यार, 15 साल बाद भी इतना प्यार, एकदम हाथ पकड़ के बाजार में घूम रहे। अरे बोले सर प्यार व्यार कुछ नहीं, हाथ इसलिए पकड़ा हुआ है कि अगर एक मिनट के लिए हाथ छोड़ दिया तो अभी साड़ियों की दुकान में चली जाएगी खरीदारी के लिए। शॉपिंग महिलाओं को बड़ी पसंद है सर, लेकिन यही शॉपिंग अगर मर्दों को करनी पड़े, महिलाओं को तो शॉपिंग बड़ा मजा देती है लेकिन ये मर्दों के लिए सजा का काम हो जाता है। और उसमें से भी भिड़े जैसे हमारे मित्र, उनके लिए पैसा खर्च करके शॉपिंग करना ऐसा ही है जैसे ठंड में ठंडे पानी से नहाना। अब भिड़े ने नया चश्मा ले लिया है साहब, शॉपिंग तो करनी पड़ी, ले लिया चश्मा, लेकिन चश्मा बदलने से क्या आदमी का नजरिया बदल जाता है? हमें बाहर की चीजें बदलने में तो वक्त नहीं लगता लेकिन भीतर की चीजें बदलने में वक्त लगता है। आपसे भी यही कहता हूं कि वस्त्र बदल जाए लेकिन विचार बदलना ज्यादा जरूरी है।
चश्मा बदल जाए लेकिन नजरिया बदलना ज्यादा जरूरी। अब यहाँ मुझे ये तो नहीं पता कि भिड़े का नजरिया बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन तकदीर तो जरूर बदलेगी, क्योंकि पुराना चश्मा जब इतने सारे हंगामे लेके आया गोकुलधाम सोसाइटी पे, तो नया चश्मा तो अवश्यम भावी है कि बहुत सारे हंगामे लेके आएगा, यानी बहुत नए नए हंगामे इस नए नए चश्मे के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या करता है नया चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.